हेलो एवरीवन आज के वीडियो में शॉफोक द्वारा लिखे हुए ई डी प्ले के जो भी सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए पहले तो पूरी वीडियो को देखना अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना वीडियो देख के सीधे मत जाना लाइक like जरूर करना और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए शुरू करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट हैपन्स टू ई डी पस एट द एंड ऑफ द प्ले ई डी पस के साथ प्ले के एंड में क्या होता है ही स्टेप्स हिमसेल्फ इन द आइज ही इज़ बैनिश्ड फ्रॉम थिम्स बोथ ए एंड बी तो ई के साथ एंड में ये होता है कि वो अपने आप को अंधा भी कर लेता है और उसे थीप से भी निकाल दिया जाता है तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर हाउ डिड जोकास्टा डाई जोकास्टा ई की वाइफ और उसकी मदर कैसे मरती है प्रियॉन पॉइजन सर शिकल्स हर सेल्फ शी गेट्स ईटन बाय द स्फिंग्स जोकास्टा प्ले में सुसाइड कर लेती है शीकिल्स हर सेल्फ इज द राइट आंसर वॉट न्यूज़ डज द मैसेंजर ब्रिंग फ्रॉम Corinth? मैसेंजर कॉरिंद से क्या न्यूज़ लेकर आता है दैट Polybus वॉज नॉट ई डी पस रियल फादर दैट dead. इज डैड बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर हु to Polybus and Merope when he was a baby? वॉज अ जब ई छोटा था तो Polybus और Merope को उसे किसने दिया था The Sphinx, Tiresias, the messenger. The messenger is the right answer. वॉट डिड द औरिकल टेल इडीपस वेन ही वॉज अ यंग बॉय जब इडिपस छोटा था तो औरकल ने इडीपस को क्या बताया था दैट हिज मदर वॉज जोकस्टा दैट ही शुड नेवर गो टू थीप दैट ही वुड मैरी हिज मदर एंड किल हिज फादर थर्ड वन इज़ द राइट आंसर औरिकल ने इडिपस को बताया था कि मदर से शादी कर लेगा और अपने फादर को मार देगा वाइडस जोगस्टस स्टोरी अबाउट द प्रोफेसी दैट लायस रिसीव्ड अपसेट ई तो जोगास्टा द्वारा बताई गई स्टोरी ई को इसलिए परेशान कर देती है क्योंकि ई ने भी इसी तरीके से एक आदमी को मारा था तो वो परेशान होता है कहीं वो लायस ही तो नहीं वेयर वॉज लायस स्किल्ड लायस कहाँ मारा गया लायस की मौत के बारे में इस पूरे प्ले में सीन होता रहता है इसी की बात चलती रहती है तो पता करते हैं कि लायस कहाँ मारा गया था वाइल्ड फाइटिंग इन अ बैटल ट्रैवलिंग टू डेल्फ़ी इन जेल फॉर किलिंग इज सन तो लाइस एक रिलीजियस जर्नी पर जा रहा था डेल्फी के लिए तभी उसकी रास्ते में उस पर अटैक किया गया और तभी उसकी मौत हो गई ट्रैवलिंग टू डेल्फी सेकेंड वन इज़ द राइट आंसर हाउ डज़ ई डी पस रिस्पॉन्ड वेन टेरीसियस किलिंग लायस जब टेरीसियस उस पर इल्ज़ाम लगाता है ई पर कि उसने ही लाइस को मारा है तो ई किस तरह प्रतिक्रिया देता है ही टर्न्स हिमसेल्फ इन टू जेल ही इज़ हैप्पी टू नो द ट्रूथ ही एक्यूज टिरीसियस ऑफ मर्डरिंग लाइस विद क्रेन तो ई कहता है कि टिरीसियस ने ही लाइस का मर्डर किया है क्रियोन के साथ मिलकर वॉट डज टेरिसियस टेल ई डी पस वेन ही अराइव्स टिरीसियस क्या बताता है ई को जब वो उससे मिलता है दैट ही नोज द ही नोज हु किल लाइस बट ही पता है कि किसने मारा है लेकिन वो इडीपस को नहीं बताएगा हुके पास बेचने के लिए बोलता है टिडीसियस क्योंकि टिरीसियस एक ब्लाइंड प्रोफेट होते हैं और वह बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं अपनी शक्तियों के लिए और ऐसा माना जाता है कि वो गॉड का दिमाग भी पढ़ सकते हैं गॉड के द्वारा भेजा हुआ संदेश उन्हें पता चल सकता है हु डिड द पीपल ऑफ थीप्स थिंक वॉज हैड किल्ड लायस थीप्स के लोग क्या सोचते हैं कि किसने लायस को मारा होगा रॉबर्ट्स थीप्स के लोग सोचते हैं कि थीप्स के किंग को लायस को रॉबर्ट्स ने मारा है वॉट डज इडिपस अनाउंसेज अनाउंस टू द पीपल ऑफ थीप्स आफ्टर ही हियर्स द न्यूज़ फ्रॉम द ओरिकल जब इडिपस ओरिकल से न्यूज़ सुनता है पता करता है तो वो थीप्स के लोगों को क्या बताता है दैट इफ द किलर ऑफ लायर्स कन्फेसेज नाउ ही विल ओनली बी बैनिश्ड दैट इफ एनी वन नो हुय दे शुड कम एंड टेल इडीपस बोथ ए एंड बी बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर ई डी और से पता करने के बाद बोलता है सबसे कि अगर उसका लायस का मर्डरर अगर खुद से सामने आता है तो उसे सिर्फ थीप से निकाल दिया जाएगा उसे मारा नहीं जाएगा और यदि किसी को पता है अगर कोई जानता है कि किसने मारा है तो वो ई को अगर बता सकता है वाई डिट एनी वन गो इन्वेस्टिगेट द मर्डर ऑफ लाइस वेन इट हैपन वाई डिड दे वेट सो मैनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ जब लाइस की लाइस का मर्डर हुआ था तब किसी ने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की इतने सालों तक क्यों इंतज़ार किया जोकास्टा वेंट इन टू लेबर विद इडिपस द पीपल वॉन्टेड टू कवर अप इडिपस मर्डर मर्डर ऑफ लायस द स्पिंग्स वॉज अटैकिंग द सिटी इसीलिए पता नहीं कर पाए क्योंकि सभी स्पिंग्स ने उस टाइम पे थीप्स पर अटैक कर दिया था और लाइस ने स्विंग्स के अटैक से टेरर से बचाया था थीप्स को इसीलिए वो माँ का नया राजा बन गया। वाट शुड हैपन टू द किलर ऑफ लायस वेन ही इज फाउंड तो लायस का मर्डर अगर जो मिल जाता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए और कल के अनुसार ही मस्ट बी बैनिश्ड फ्रॉम थीप्स और पुट टू डेथ उसे थीप से निकाल दिया जाए या फिर उसे उस उसको मौत की सजा सुनाई सुनाई जाए what information डिड creon गेट फ्रॉम द oracle एट डेल्फी mm -hmm. तो जिस इंफॉर्मेशन की अभी बात हो रही थी कि ई ने औरकल से ई को औरकल से इन्फॉर्मेशन मिली तो उसने थीप्स को थीप्स के लोगों को क्या बताया तो वो इन्फॉर्मेशन क्या थी दैट द किलर ऑफ लायस मस्ट बी फाउंड टू सेव द सिटी लाइस का जो खूनी है हत्यारा है वो उसका मिलना ज़रूरी है थीप्स को बचाने के लिए वे आर डिड ई डिपस एंड क्रियोन टू एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले ई डिपस क्रियोन को कहाँ बेचता है प्ले के शुरुआत में टू द औरकल ऑफ डेल्फी वॉट इज द प्रीस डूइंग एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले जारी प्ले के शुरुआत में क्या कर रहे होते हैं आस्किंग द गॉड्स फॉर हेल्प टू स्टॉप द प्ले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से इस परेशानी से थी को बचा लिया जाए द कोरस यूजअली डज वॉट Provides thought-provoking question, sings beautifully, gets the last word, roots for the enemy. तो बीक प्लेस का ट्रेडिशन होता है कि कोरस लास्ट में जो जो भी उनके थॉट्स होते हैं उसे शेयर करते हैं तो राइट आंसर इज द गेट्स द लास्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑकर्स ऑन स्टेज इसमें पूछ रहे हैं कि किसकी डेथ स्टेज पर दिखाई जाती है तो किसी की भी डेथ स्टेज पर नहीं दिखाई जाती है क्योंकि ग्रीक प्लेज में ट्रेडिशन है कि डेथ को स्टेज नहीं किया जाता है डेथ को स्टेज पर नहीं दिखाया जाता है तो शोफोकल्स भी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और किसी की भी डेथ स्टेज पर नहीं दिखाई जाती है बस कोई ना कोई ऐसे आकर बोल देता है कि उसकी डेथ हो गई है उस जुकास्टा ने सुसाइड कर ली है पर उसे स्टेज पर दिखाया नहीं जाता है वेयर वॉज लाए स्किल्ड एट अ थ्री वे क्रॉस रोड्स वहीं पर उस पर अटैक होता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिमींस अलाइव थ्रू आउट द थ्री थीवन प्लेस तीनों थीवन प्लेस में कौन सा कैरेक्टर है जो हम तीनों में होता है वो है क्री हु स्पीक्स लास्ट इन ईच ऑफ द थीवन प्लेस लास्ट में कौन बोलता है आपको पता ही ये द कोरस फ्रॉम दो फ्रॉम हुज कर्स डिड ई रेस्क्यू थीप्स किसके हिसाब से किसके आतंक से ई बचाते हैं थीप्स को वो स्पिंग्स स्पिंग्स के आतंक से बचाते हैं थीप्स को और थीप्स के नए किंग बन जाते हैं ई और शादी कर लेते हैं अपनी मदर जोकास्टा से वॉट डज ई यूज टू स्टेब आउट हिज ओन आइज ई क्या यूज़ करते हैं अपनी आँख आँख अपने आप को अंधा करने के लिए नाइफ स्टिक्स द ब्रोच फ्राम जोकास्टाज रोप द हॉर्न्स ऑफ सेक्रीफाइस वोल वो जोकस्टा का ब्रोच यूज करते हैं अपने आप को अंदा करने के लिए वॉट इज क्रेन रिलेशनशिप टू जोकस्टा जोकेस्टा और क्रेन के बीच में क्या संबंध होता है क्या रिलेशन होता है ब्रदर इन विच प्ले डेसियस नॉट अपियर इडिपस एट कॉलोनास इन वॉट कंट्री वॉज इडीपस रेस्ट थीप्स में थीप्स में इडीपस बाद में आते हैं तो उससे पहले वो कहाँ पर पले बड़े थे इडी पस कॉरिंथ में पले बड़े थे जहाँ पर पोलिवस और मीरोपी ने उन्हें बड़ा किया था अप पाला था वॉट डज द नेम ई डी पस मीन ई डी पस का क्या मतलब है ई डी पस नाम का इनसेस्ट मॉन्गर किंग ऑफ थीप्स सोलन फुट ब्लाइंडेड बाई फेट सोलन फुट इज द राइट आंसर बिच ऑफ इडीपस चिल्ड्रन डज नॉट अपियर इन ई डी पस एट कॉलोनस हाउ मैनी च्रन plays was probably रिटर्न लास्ट कौन सा थीवन प्ले सबसे लास्ट में लिखा गया था इस एट कॉलोनस इसी के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहीं पर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना और ऐसी और वीडियोस के लिए जो मैं अभी बनाऊँगी और हैं भी हमारी चैनल पे आप सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगली वीडियो में